फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज वाली वीडियो में हम यहां पर बात करने जा रहे हैं अपकमिंग अपडेट के बारे में। बहुत ज्यादा ही यहां पर हाइप क्रिएटेड है फॉर द अपकमिंग अपडेट। कब आएगा, क्या डेट होने वाली है, क्या आने वाला है एंड बहुत कुछ इस वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा विद प्रूफ गाइस। सब कुछ के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, इस डेट को क्यों अपडेट आ सकता है, इसके आसपास क्यों अपडेट आ सकता है एंड ऑल। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर से देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। डेरियन चाचा ने एक जस्ट ट्वीट किया था, मैं आपको अगर दिखाऊं तो वेयर इट इज माई डिस्प्ले कैप्चर, देयर इट इज। तो डेरियन चाचा ने ट्वीट किया था, क्लैश ऑफ क्लैन डेव अपडेट वीडियो फिल्मिंग इज इन द बैग। सो मतलब इसका मतलब साफ है, क्लैश ऑफ क्लैन का जो डेवलपर बिल्ड का वीडियो आता है, हमेशा वो वीडियो कब आता है, जैसे ही अपडेट लॉन्च हो जाता है वैसे डेव वीडियो भी आ जाता है, तो उस पर वर्क होना शुरू हो चुका है। आज अगर डेट देखोगे तो 21 है। अब आप बोलोगे ये तो ठीक है यार, वो तो फिल्मिंग कर रहे, अब डाले कब किसको क्या पता। एंड अब पहले मैं डेट ठीक क्लियरफाई कर देता हूँ आपको, लास्ट अपडेट कब आया था, ऑटम अपडेट, जो कि हेलोवीन अपडेट आप बोलते हो। तो चलिए एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, देयर इट इज गाइस, ऑटम अपडेट वर्जन। ये वर्जन लिखा हुआ है, ये मत पढ़ो मेन, ये डेट पढ़ो, 12th of October 2020 को ये अपडेट अपने गेम के अंदर आया था लास्ट ईयर, ठीक है। एंड उसके अंदर आपको न्यू कंटेंट में देखने को मिले थे सुपर वेलकरी, सुपर मिनियन एंड ये स्केलेटन बैरल फॉर द इवेंट जो होता है हेलोवीन पे, न्यू लेवल ऑफ थिंग्स लाइक पैका का न्यू लेवल आया, आर्चर टावर के न्यू लेवल आया, ये सब लास्ट मंथ का है। मैं क्यों लास्ट ईयर का मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ डेट हिंट दे रहा हूँ गाइस। डेट हिंट यहाँ पे 12th October लास्ट ईयर आया था, तो अराउंड इस मंथ भी आपको मतलब नहीं मिलेगा अपडेट, नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आपको अपडेट मिलेगा। मे बी 10th of October को अपडेट आ सकता है या फिर इसके नियर बाय आएगा, 12 के ही नियर बाय आएगा। अभी उन्होंने डेवलपर बिल्ड की वीडियो पे वर्क करना शुरू किया है, सो आप मानकर चल सकते हो विथ इन 20 days लगभग आपको अपडेट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा। क्या कुछ आएगा, सो न्यू सीजनल ट्रूप हमेशा की तरह आता है गेम के अंदर, हेलोवीन अपडेट होता है, हेलोवीन थीम होती है, तो वो डेफिनेटली आने वाला है कन्फर्म। एंड साथ ही में न्यू इवेंट्स आएंगे उसी से रिलेटेड। इसके अलावा अब आप लोग बोलोगे क्या और न्यू आएगा, तो वॉल सेगमेंट 100 pieces ऑफ वॉल्स अपन अब और अपग्रेड कर पाएंगे अपकमिंग अपडेट में। लाइक अभी 150 इज द मैक्स रीच एंड आई थिंक उसको बढ़ा करके कर देंगे 250 एंड लेवल 15 के वॉल्स आप कर पाओगे 250। सो 100 वॉल्स आप पीछे से अपग्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है 100 ना आए 75 आए, क्योंकि अगर आप वॉल्स देखोगे तो टोटल ओवरऑल अगर मैं अभी वॉल्स दिखाऊं अपनी रिमूव ऑल करके, तो देख सकते हो 150 एंड 175। अब 175 वॉल बची है, तो या हो सकता है 100 आए या 75 आए 100 नेक्स्ट अपडेट में, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ एक चीज है जो मैंने वॉल रिलेटेड बता दी। अब सुपर ट्रूप आएगा क्या, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएटेड है रिलेटेड टू सुपर ट्रूप। आई थिंक डेफिनेटली दैट टाइम एक सुपर ट्रूप मिनिमम सुपर सेल इंट्रोड्यूस करवाएगा ही, एंड वो ट्रूप होने के चांसेस अभी तक तो जो लग रहा है वो सुपर हॉग राइडर, क्योंकि इसकी हाइप लास्ट कुछ महीनों से बहुत ज्यादा बनी हुई है। सो डेफिनेटली आपको सुपर हॉग राइडर गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, इट्स माय प्रेडिक्शन। सो हो सकता है ऐसा एंड नॉट कंफर्म, बट सुपर ट्रूप इस बार आने वाला है, क्योंकि लास्ट ऑटम अपडेट में 2 सुपर ट्रूप दिए थे सुपर सेल ने, सुपर वेलकरी, सुपर मिनियन, एंड दोनों डार्क ट्रूप है, तो इस बार भी एक और डार्क ट्रूप में भी सुपर हॉग राइडर आपको देखने को मिल सकता है। न्यू लेवल ऑफ डिफेंसेस की अगर बात करें तो गाइस बचा क्या है, मोर्टार के न्यू लेवल आने वाले, एक्सबोस के न्यू लेवल आने वाले, डेफिनेटली इन दो के न्यू लेवल आएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर बॉम्ब में आपको ब्लैक माइन का अपडेट देखने को मिल सकता है, ब्लैक माइन आप अप कर पाओगे और जो ये स्केलेटन ट्रैप्स है आप इनको अप कर पाओगे, तो ये चीज है, क्योंकि बॉम्ब अभी अपडेट आ चुका है, जायंट बॉम्ब का अपडेट आ चुका है एंड नॉर्मल बॉम्ब का अपडेट आ चुका है। इसके साथ साथ अब बचे ये तीन चीजों का अपडेट तो अभी आया, अब बचे ब्लैक माइन, स्पिनिंग ट्रैप एंड द स्केलेटन ट्रैप, तो इन तीन ट्रैप्स के अपडेट आपको इस वाले अपडेट में देखने को मिलेगी, इनको एक एक लेवल अप कर दिया जाएगा बेसिकली। एंड इसके साथ बहुत बड़ा बैलेंसिंग चेंज अपने गेम के अंदर होने वाला है, बहुत सारे ट्रूप नर्फ होने वाले हैं, बहुत सारे ट्रूप को बाउंस मिलने वाला है, न्यू लेवल ऑफ ट्रूप्स आपको देखने को मिलने वाला है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या, लास्ट अपडेट जो था अपना
जस्ट जो अभी रिसेंटली गया वो एयर पे स्पेसिफिक था, एयर मेटा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब अगर आप देखोगे इन कंपेयर एयर अटैक ऑलमोस्ट 80% लोग अभी एयर अटैक यूज कर रहे हैं, कोई भी एयर अटैक हो, बट अभी मेटा एयर ही चल रहा है। ग्राउंड अटैक बहुत कम जने कर रहे हैं बिकॉज ग्राउंड में कोई न्यू लेवल ऑफ ट्रूप नहीं आया, कोई हाई लेवल मतलब करा नहीं ग्राउंड आर्मी को। सो इस बार ग्राउंड रिलेटेड आपको स्टेप देखने को मिलने वाला है अपडेट के अंदर रिलेटेड टू लैब। अगर लैब की बात करूं, वेयर इज माय लैब, अब इस लैब में आपको क्या अपडेट में देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो मैं बताता हूं, माय प्रेडिक्शन इज लाइक गोलम ऑलरेडी लेवल 10 है, आपको यहां पर फॉग राइडर का मे बी न्यू लेवल मिल सकता है, शायद वेलकरी का न्यू लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ येटीज कब से लेवल 3 पे अटके हुए, येटीज का आपको न्यू लेवल देखने को मिल सकता है, माइनर्स का आपको न्यू लेवल देखने को मिल सकता है। एंड माइनर में क्यों बोल रहा हूँ, माइनर लेवल 7 है, कहीं ना कहीं माइनर एंड येटी पे मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है कि इनके न्यू लेवल आने वाले हैं, ठीक है? इसी के साथ साथ जो अपना ड्रैगन राइडर उसको नर्फ भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है बिकॉज बहुत ज्यादा लोग ड्रैगन राइडर को इस समय यूज कर रहे हैं, तो ये चीज भी हो सकती है। एंड ये ट्रुप में जो भी नर्फ वगैरह हो गए तो वो तो कोई भी प्रेडिक्शन दे नहीं सकता क्या होने वाला है, बट जो मेरा प्रेडिक्शन था मैंने आपको दे दिया, ये चीजें गेम के अंदर और इम्प्रूव होगी एंड यहाँ पर वर्क होने वाला है। ग्राउंड आर्मी में लेकर के बोलर के न्यू लेवल आ सकते हैं एंड अभी अभी आइस गोलम का मे भी आया ही था तो ज्यादा नहीं है। माइनर इज द मेन फोकस जिसका मेरे को तो लगता है 90% ऑफ चांस माइनर का न्यू लेवल आएगा। अब बाकी देखते हैं, न्यू ट्रूप इंट्रोड्यूस करा दे तो कोई भरोसा नहीं है, बाकी स्पेल वगैरह अपडेट आएगी वही एक एक दो दो लेवल बढ़ेगा स्पेल्स में भी एंड ऑल्सो 5-5 लेवल ऑफ हीरोज और बढ़ाए जा सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरे को एक चीज अब लग रही है, अब सुपर सेल को अगर अपने हीरोज के लेवल नहीं अप करने हो गए ना तो पेट के लेवल अप करेगा, ठीक है? हीरोज में भी मेरे हिसाब से 100 एंड 70-60 के आसपास वार्डन और आरसी को आसपास 40 तक करके छोड़ देंगे एंड 100 से ज्यादा मतलब यार 101 लेवल का वार्डन कितना ऑकवर्ड टाइप का लगता है, ठीक है? सो मेरे हिसाब से नेक्स्ट अपडेट में अपन को हीरोज अपडेट देखने की जगह पैट अपग्रेड देखने को मिलेंगे जहां पर 5-5 लेवल ऑफ पैट्स आप और अपग्रेड कर सकते हो। अभी तो यही 10-10 नहीं हो रहे तो मतलब अभी 15-15-15-15 एक साथ 4 पैट्स 5-5 लेवल, और ये भी हो सकता है 5-5 लेवल ऑफ पैट 5-5 लेवल ऑफ हीरोज बोथ एक साथ आपको देखने को मिल जाए, बट वो बहुत ज्यादा टिपिकल एंड हार्ड हो जाएगा। बट अब देखते हैं इस बार हीरो अपडेट आता है या पेट अपडेट आता है, तो यहाँ मैं लिटिल बिट कंफ्यूज्ड हूँ। आपको क्या लगता है आप अपना कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। अब और बात करते हैं न्यू सीनरी की आएगी, तो ऑलरेडी मैं आपको पूरी कंफर्म सीनरी दिखा चुका हूँ 100% कौन सी सीनरी आपको गेम के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो ये वाली वीडियो का थंबनेल देख लीजिए, इस वीडियो का लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप प्रीमियर देख रहे हो तो प्रीमियर के पिन चैट में आपको इस वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आई बटन होगा उस पर क्लिक करके आप ये वाला वीडियो वॉच कर सकते हो। इसमें हमने सीनरी के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था, हेलोवीन बेस्ड सीनरी होने वाली है, क्या प्राइस होने वाली है, फ्री आएगी या नहीं आएगी, तो सब उस वाली वीडियो में बात कर ली मैंने ऑलरेडी। वो भी एक अपडेट रिलेटेड वीडियो है फॉर द नेक्स्ट मंथ अपडेट, तो आप जरूर से जाकर के वो वाला वीडियो वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो वॉच कर लिया आधी इन्फॉर्मेशन इसमें आधी उसमें, तो दोनों वीडियो देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट अपडेट में क्या आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये रही बात अपनी अपडेट की, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो क्या कुछ आ सकता है क्यों आ सकता है, तो सब मैंने डिटेल जो भी मेरा मतलब था जितना मुझे पता था मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया विद मतलब जो जो मेरे टॉपिक्स थे पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से वैल्यू मिली तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल तो वेरी क्लोज टू 30,000 सब्सक्राइबर फिल्टेड। चलिए अब अपने एक परफॉर्म करते हैं अपना अटैक लेजेंड लीग का फर्स्ट अटैक ऑफ द डे एंड अगर अभी मेरी ट्रॉफी दिखाऊं तो गाइस 5-5-6-7 इज माय स्टिल्ड ट्रॉफी। सो देखते हैं अटैक में क्या होता है, फर्स्ट अटैक है फिंगर्स क्रॉस एंड अब मैं लाइव अटैक पे जा रहा हूँ। ओह चाइनीज का बेस आया है एंड यार ये ऐसे बेसिस में मैं काफी ज्यादा मतलब टिपिकल टाइप के बेसिस होते हैं ना बड़ा बड़ा अजीब सा लगता है यार। चलिए यहाँ पर आएगा सुपर गॉब्लिन, यहाँ आएगा किंग क्वीन, यहाँ आएगा बेबी ड्रैगन, यहाँ आएंगे मेरे सारे के सारे ईडीज, यहाँ आएंगे मेरे सारे के सारे लून, यहाँ आएगा वार्डन, वार्डन का एबिलिटी, एक रेज इधर, सेकेंड रेज इधर, एक फ्रीज हम यहाँ कर देंगे ताकि स्वीपर ज्यादा धकेले ना एंड ओके अटैक इज गोइंग फाइन। सो अभी तक तो ठीक चल रहा है अटैक, अब आगे आगे देखते होता है क्या। यहाँ पर एक और रेज करना पड़ेगा बिकॉज ईगल आर्टिलरी कुछ इसी तरफ है एंड एक फ्रीज अपन कर देते हैं यहाँ स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट में एंड अभी तक अटैक इज गोइंग वेल एंड फाइन।
सो ईगल आर्टिलरी एक बार टेक डाउन हो जाए तो आधा काम मेरा सरल हो जाएगा एंड एक फ्री मेरे को करना पड़ेगा। इधर किंग का कर लेते, एबिलिटी यूज रेज कर देते ऑन द टाउन हॉल एंड टाउन हॉल इजिली टेक डाउन हो जाए। पीछे से विजार्ड वगैरह डिप्लॉय कर लेते एंड यहाँ से मैं डाल देता हूँ अपना रॉयल चैंपियन को एंड एक और फ्रीज स्पेल का मेरे को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा ताकि मेरी क्वीन यहाँ पर सर्वाइव रहे, क्वीन यहाँ पर गलती से भी ना मर जाए। अगर क्वीन मर जाती है तो अटैक फेल के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड अब ये फेल तो नहीं है बट अभी सीसी लूर नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे अटैक का क्योंकि सीसी लूर नहीं हुआ मतलब यार गड़बड़ है। ये देख सकते हो आइस गोलम सभी आ चुके हैं सीसी से बाहर। यहाँ मैं एक फ्रीज स्पेल का यूज कर दूंगा ताकि आइस गोलम पे टैंक ना करे, वो कर लिया टैंक। चलो अब एबिलिटी यूज करने का टाइम आ चुका है तो यहाँ से मैं एबिलिटी को यूज कर देता हूँ एंड क्वीन अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लिटरली क्वीन डिड अ ग्रेट जॉब। बट गाइस यहाँ पर अभी रॉयल चैंपियन अंडर टारगेट है, दो एक्सपोज अलाइव है, क्वीन अपना काम कर रहा है, ब्लैक माइन एक ईडी को आकर के टेक डाउन कर देगा, रॉयल चैंपियन का हेल्थ अभी कम बचा बट एक्सपो लॉक थे बारबेलियन पे बट अब कहीं ना कहीं वो लॉक हो चुके आकर के ऑलरेडी रॉय। ओके यहाँ पर क्वीन की हेल्थ अप होने का टाइम स्कोर मिल जाएगा, एक और ब्लैक माइन आ गया। आई डोंट नो व्हाट इज गोना ऑन दैट अटैक क्योंकि अभी एक्सपो टारगेटेड है बारबेलियंस पे तो बारबेलियन क्वीन को बहुत अच्छा टैंक कर दिया एंड क्वीन का एचपी हो चुका है फुल विदाउट एबिलिटी बट दैट अटैक इज कंफर्मली गोइंग टू बी अ 3-star। तो डन, सुबह का पहला अटैक 3-star के साथ। तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां, वीडियो हो गया बहुत ज्यादा कमाल बिकॉज अपडेट न्यूज के साथ हमारे लिए भी एक अपडेट आ गई, हमने 3-star कर दिया फर्स्ट बेस एंड बाकी के अटैक्स आपको देखने तो हमारा लाइव स्ट्रीम होता है रेगुलर 8:30 PM एवरी डे तो उसमें हम लेजेंड अटैक्स करते हैं विद माय टाउन हॉल 14 सारे लाइव अटैक्स होते हैं तो देखना आपको फॉर द लेजेंड कैसे आपको हिट्स करने क्या क्या रहते हैं मतलब जो भी है लेजेंड पुशिंग का करना चाहो तो गाइस आई हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लेजेंड पुशिंग तो आप सब मेरे को फॉलो कर सकते हो। ऑफ कोर्स अब मैं क्यों बोल रहा हूं एक्सपीरियंस गाइस, सी माय लेजेंड ट्रॉफी ऑलमोस्ट 10,000 ठीक है। So that is it for this video. Like, share, subscribe. Bye bye. Have a nice day, Clash. I love you all.